वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की नैब में पहली पेशी। नैब अफसरान की बुज़दार पर सवालात की बौछाड़। ज़राए के मुताबिक सवाल किया गया कि लाइसेंस के इजरा के लिए मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत वसूल की। आप और अहले खाना ने कितनी जायदादें खरीदी और कितनी लीज पढ़ ली। वज़ीर-ए-आला हर सवाल पर कहते रहे, मुझे नहीं पता, तैयारी के साथ नहीं आया, कुछ वक्त दे, सोच कर बताऊंगा। नैब अफसरान ने सवाल किया कि आप मीडिया में कहते रहे कि नैब को तमाम सवालात का जवाब देने को तैयार हूँ और आज कोई जवाब ही नहीं दे रहे। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नैब ने वज़ीर-ए-आला से 70 सवाल किए, 60 सवालात के जवाब ना दे सके। नामुकम्मल जवाबात देने पर नैब ने सासजात का परफॉर्मा वज़ीर-ए-आला को तमा दिया। 18 अगस्त तक जवाब जमा कराने की हिदायत की। क्या उस्मान बुज़दार के सितारे गर्दिश में आ गए? दूसरी दो सरकारी ऑफिसर वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने को तैयार। एक का ताल्लुक महकमा एक्साइज और दूसरे का वज़ीर-ए-आला के स्टाफ से है। दोनों अफसरान का नैब से राबता। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दबाव डालकर ये काम कराया। साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल का नैब को दिए गए बयान में मौकिफ। उस्मान बुज़दार से 1.5 घंटा पूछताछ, तहरीरी जवाब, दस्तावेजात हवाले करने के बावजूद नैब की हार्ड पेश पर वज़ीर-ए-आला को मुश्किलात। वापसी पर गैर रस्मी इजलास तलब। उस्मान बुज़दार का नैब के उठाए सवालात के तनाज़ुर में कानूनी मशीरों से मदद लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आला के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राहील सिद्दीकी भी बयान रिकॉर्ड कराने नैब में पेश हुए। मरियम नवाज का हंगामा आराज से मुतालिक एक और ट्वीट। गाड़ी पर पथराव की वीडियो अपलोड कर दी। कहा, पत्थर लगने से विंड स्क्रीन का ये हाल नहीं होता, जो कुछ था वो पत्थर से कुछ ज्यादा था, क्या था बताने से कासिर हूँ। मरियम नवाज का हंगामा आराज में जख्मी होने वाले कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद को टेलीफोन। साबिक प्लेयर लाहौर की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के वकला की इस्तेदा मुस्तरद। 58 लीगी कारकुन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा राय के इल्जाम में गिरफ्तार लीगी कारकुनों को चूंग पुलिस ने हथकड़ी लगाकर जिला कचहरी पेश किया। वकला ने मुकदमा झूठा और इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए रिहाई की इस्तेदा की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त जमानत पर चूंग पुलिस ने रिपोर्ट तलब कर ली। हथकड़ी लगाकर पेशी, सियासी कारकुनान दहशत गर्द हैं ना ही खतरनाक मुजरिम। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की मजम्मत। कहा, पार्टी कारकुनान से दहशत गर्दों और खतरनाक मुजरिमों जैसा सलूक अफसोसनाक है। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। गजुमता से शाहदरा सस्ते सफर की सवारी मेट्रो बस सर्विस बहाल हो गई। मेट्रो बस को कोरोना लॉकडाउन के सबब 4 माह की बंदिश के बाद बहाल किया गया। एसओपीज के तहत बस में खड़े होकर सफर पर पाबंदी होगी। लॉकडाउन से मुतासरा शादी हॉल मालिकान के लिए अच्छी खबर। महकमा खजाना की शादी हॉल फौरी खोलने की तजवीज़। समरी मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आला को इरसाल। महकमा खजाना ने सूबे में मुआशी सरगर्मियों में इजाफे के लिए शादी हॉल और माकिस को एसओपीज के तहत खोलने की तजवीज़ पेश की। सोने का सुनामी, कीमत फिर बढ़ गई। 2 रोज में 12,200 रुपए कमी के बाद 4,000 का इजाफा। 24 कैरात फी तोला सोना 1,21,500 रुपए हो गया। 22 कैरात की कीमत 1,11,375 रुपए मुकर्रर। मानसून सीजन, दरियाए रावी में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। पीडीएमए की रिपोर्ट जारी। रिचेस्टर, सालफन, शाहदरा और बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल रिकॉर्ड। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से प्रॉपर्टी टैक्स में चोरी रोकने का मंसूबा। 6 साल बाद होने वाले सर्वे में फीता टेप की बजाय लेजर गन और लाइव मोबाइल ऐप से जायदादों की पैमाइश की जाएगी। महकमा एक्साइज ने गन्स और मोबाइल की समरी इरसाल कर दी। साफ पानी मंसूबे में 1.80 अरब की करप्शन। महकमा बल्दियात ने फंड्स लेकर काम न करने, गैर मायारी प्लांट्स नस्ब करने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।
TSP तौसीफ इंटरप्राइजेज और सईद भाई नामी कंपनी ने गलती तस्लीम करते हुए वादे और मयाद के मुताबिक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की हामी भर ली। डॉक्टर है ना डिस्पेंसर, एक्सरे टेक्नीशियन है ना कोई दूसरा अमला, शादमान तशखीसी मरकज बेआबाद हो गया। कोरोना ड्यूटी पर जाने वाला अमला का हाल वापस नहीं लौटा, इलाज के लिए आने वाले एक्सरे ब्लड टेस्ट और अद्वियात की सहूलियात से महरूम, वापस परखने पर मजबूर। कोरोना वायरस फैलने का खदशा, एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल सरबराहान को तालीमी इदारों में जश्न आज़ादी की तकरीबात से रोक दिया। किसी भी स्कूल में जश्न आज़ादी की तकरीब में तलबा को मदऊ नहीं किया जाएगा। अहकाम की खिलाफ वर्जी पर मुतालिका हेड के खिलाफ कार्रवाई होगी। उस्मान बुज़दार हैं और इंशाल्लाह रहेंगे, गवर्नर पंजाब का पाक अथॉरिटी की तकरीब से खिताब, कहा अस्पतालों में 50% मरीज आलूदा पानी की वजह से हैं। NGOs मुखय्यर हजरात और आपाक अथॉरिटी साफ पानी की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। खिताब के दौरान गवर्नर का अथॉरिटी में मेरिट पर भर्तियों का भी ऐलान। तकरीब में आपाक अथॉरिटी के मेंबर बोर्ड गोहर एजाज भी शरीक हुए। मेंबर बोर्ड आपाक अथॉरिटी गौहर एजाज शहरियों के लिए साफ पानी की फराहमी के लिए पुरअज़्म, गवर्नर पंजाब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साफ पानी शहरियों का हक है, आपाक अथॉरिटी जो भी खर्च करेगी वो शहरियों को साफ पानी की फराहमी पर खर्च होगा। तहफ़ुज़े बुनियादे इस्लाम बिल पर मुशावरती अमल जारी, तमाम मकातिब फिक्र के उलमा की हिमायत हासिल की जाएगी। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं मुहर्रमुल हराम के बाद मज़ीद मुशावरत की जाएगी। अल्लाह ताला की रजा की खातिर जब कोई काम शुरू किया जाए तो फिर अल्लाह ताला गैबी मदद भी फराहम करता है। चौधरी परवेज़ इलाही से साहबजादा सुल्तान फयाज़ुल हसन ने भी उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरक, 50% इलाकों में हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर ली गईं। हल्का बंदियों के काम की निगरानी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 2 अफसरान पर मुश्तमिल 9 मॉनिटरिंग टीमें भी तश्कील दे दी। लाहौर के सदर परवेज मलिक और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के लिए मुतहरिक, वकला से मीटिंग। लीगी रहनुमाओं का कहना है गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, पुरउम्मीद है कि कल कारकुन रिहा हो जाएंगे। उधर परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कर्नल मुबशर जावेद की अयादत की। लीगी रहनुमाओं का कर्नल मुबशर जावेद के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। आला कारकर्दगी पर रेवन्यू बोर्ड के अफसरान में सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब, सीनियर मेंबर बाबर हयात तारण ने 100% रेवन्यू वसूली अफसरान में तारीफी असनाद तकसीम की। सर्टिफिकेट्स कमिश्नर्स, डेप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल डेप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स में तकसीम किए गए। पाकिस्तान अवार्ड अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम लीग हाउस में तकरीब का इनेकाद, कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग काफ चौधरी इकबाल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात को अवार्ड दिए गए। अदाकारा राशिद महमूद का कहना था कि आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है, हमें अपनी आज़ादी की कदर करनी चाहिए, जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। पाकिस्तान की आज़ादी का 73वां जश्न शान और शौकत से मनाने के लिए शहर की सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सब्ज और सफेद रोशनियों में नहाई हुई ये इमारतें पाकिस्तान की सरबलंदी का बढ़ चढ़कर सबूत दे रही हैं। पाकिस्तानियों, आपको हम सब की तरफ से आजादी खुशियां मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। और 73वां यौम आज़ादी, जिद्दोजहद आज़ादी के शहीदों और गासियों के नाम, जश्न की तैयारियां जारी, लबों पर तराने, हाथों में सब थिलाली परचम, मिली नफों की रिहर्सल और 14 अगस्त का इंतजार। कौम का बच्चा बच्चा पुरजोश, ख्वातीन की लगन और खुशी भी काबिले दीद। शहर में जगह जगह रायशी अशिया के स्टॉल्स पर रौनक में इजाफा हो गया।